हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक गैगर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन, व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। काफ़ी सारे माँ बाप मेरे तरफ आते हैं उनके बच्चों को लेके, और उनको बच्चों को रहता है एडिक्शंस। एडिक्शंस क्या होता है? एडिक्शंस एक तो ऑनलाइन का, इंटरनेट का एडिक्शन, फेसबुक का एडिक्शन, व्हाट्सएप का एडिक्शन, गेम्स खेलने का एडिक्शन, यूट्यूब का एडिक्शन, या कंप्यूटर के ऊपर वीडियोस देखना, पिक्चर देखना, उसका एडिक्शन। एक्चुअली होता क्या है कि अभी जो इतना फास्ट लाइफ हो चुका है और माँ बाप दोनों भी बिजी है अपने अपने काम में, अपने अपने व्यवहार में, हर व्यक्ति मतलब चार लोग, यदि आप होटल में गए कभी और एक ही फैमिली के यदि चार लोग वहाँ होटल में बैठे होंगे, तो खाने के ऑर्डर देने के बाद में खाना आने तक आप उनको देखो, सब लोग अपने अपने मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप या कुछ तो भी चैटिंग करते हुए देखते रहते और हमको दिखाई देते। लोगों को हर जगह जहाँ वहाँ एक एडिक्शन जैसा हुआ है कि जहाँ वहाँ एक बार 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 वो फेसबुक खोल के देखो, अपना अकाउंट खोल के देखो, व्हाट्सएप देखो, और ऑनलाइन लेने का, ऑनलाइन रहने का एडिक्शन हो चुका है, ऑनलाइन रहना है। क्या सब लोग जब बिजी है तो घर में लोगों को, बच्चों को एप्रिसिएशन नहीं मिलता, एडमिरेशन नहीं है, प्रशंसा नहीं है, उनको अकेलापन महसूस होता है घर में, बोलने के लिए कोई नहीं है घर में। तो ऐसे वातावरण में जब लड़का अकेला रहता है तो उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरा प्रेजेंस लोगों में रहना चाहिए। इसमें फिर अपना सेल्फी निकालना, उसमें हमने देखा है कि काफ़ी जगह लोग सेल्फी निकालते निकालते तालाब में डूब गए, या कहीं ऊपर कहीं चले गए और वहाँ से नीचे गिर गए, ऐसा काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं सेल्फी निकालना। सेल्फी का भी एक एडिक्शन हो चुका है कि सेल्फी निकालना, तुरंत अपना स्टेटस डालना फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर डालना, और लोगों की फिर उसके बाद में फिर एक इरेजिस्टेबल डिज़ायर, मतलब रुक नहीं सकते हैं कि भाई मेरे को लाइक कितने आए, कितने लोगों ने देखा, उनकी क्या कॉमेंट है, मतलब इसके लिए वो ऐसा बेचैन हो जाते लोग, और बच्चे फिर उसमें लगे रहते हैं, ना उनको पढ़ाई याद आती है ना और कुछ, एक वो एडिक्शन जैसा हो चुका है। और कंटिन्यूस ऑनलाइन रहना, फेसबुक के ऊपर ऑनलाइन रहना, व्हाट्सएप के ऊपर ऑनलाइन रहना, और कंटिन्यूस अपना स्टेटस अपडेट करना, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी लेना। ऐसा सर्वे में मालूम पड़ा है कि कम से कम लोग, मतलब बच्चे लोग जिनको एडिक्शन हो चुका है, ये 20 घंटे एक हफ्ते में 20 घंटे, मतलब कम से कम ऑन एवरेज 2-3 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इसके ऊपर अपना टाइम बिताते हैं। अच्छा, इसका एडिक्शन हुआ ये कैसे समझना, कि इसका एडिक्शन हुआ मतलब लत लग गई है, आदत लग गई है, ये समझना कैसे? तो जब बच्चों को उसके सिवाय रहा नहीं जाता, तो भाई फेसबुक खोलने के सिवाय उसको रहा नहीं जाता, व्हाट्सएप देखने के सिवाय रहा नहीं जाता, चैटिंग करने के सिवाय रहा नहीं जाता, रिस्पॉन्स करना रहा नहीं जाता, लाइक देखना ही पड़ता है, वो किया नहीं तो वो बेचैन हो जाता है। मतलब बच्चे बिल्कुल, जो मेरे पास में लोग लेके आते हैं, एकदम टिपिकली लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे को देखा नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैंने कुछ तो भी खो दिया है, मेरे को खाना नहीं आता, मेरे को भूख नहीं लगती, मेरे को उदासीनता लगती है और मुझे वो देखना ही पड़ता है। फिर लोग रात को यदि उन्होंने ये अपने अकाउंट्स चालू किए, व्हाट्सएप के, फेसबुक के, या फिर इसके कंप्यूटर के ऊपर गेम्स खेल रहे हैं, या कोई पिक्चर देख रहे हैं, या कोई मतलब पजल्स खेल रहे हैं, तो उसमें उनका इतना टाइम निकल जाता है कि रात के 2-3-4 कब जाते मालूम ही नहीं पड़ता, और फिर दूसरा दिन खराब हो जाता, दूसरे दिन में फिर आलस, नींद आना, और फिर उसमें लगे रहना। होता क्या है कि जब वो फेसबुक के ऊपर लाइक आती है या कोई कमेंट आती है, तो एक्चुअली अपने को अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है कि वो जब देखते हैं तो डोपामिन लेवल्स जो है, केमिकल जो सब्सटेंसेस है उसमें डोपामिन है, एंडोर्फिन्स उसमें डोपामिन है, तो डोपामिन लेवल बढ़ जाती है और ये एक रिवार्ड सेंटर जो है ब्रेन के, वो स्टिम्युलेट हो जाते हैं। तो डोपामिन लेवल बढ़ गई, अपने को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है इसलिए फिर से जब जब अच्छा नहीं लगता तब तो वो फेसबुक और व्हाट्सएप देखना पड़ता है, और फिर वो दुष्ट चक्र में आ जाता है, चक्रव्यूह में आ जाता है, वो बार 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 फिर वही करना। हम सिर्फ इतना ही बोलते कि हाँ, बच्चों को इतना ही बोलते टीवी मत देख, या व्हाट्सएप मत खोल, या कोई गेम्स मत खेल,
या फिर फेसबुक के ऊपर मत जा, ऐसा बोलते रहते, मगर फिर उन्होंने ये नहीं किया तो करना क्या। बच्चों के सामने हमने ऐसा कोई बड़ा पर्पज ही नहीं खड़ा किया, बड़ा कोई गोल खड़ा नहीं किया, उनको ज़िंदगी में करना क्या है। उसको समझो कोई मशीन खोलना, उसके पार्ट्स फिट करना, उसमें इंटरेस्ट समझो बच्चों को आ रहा है, और उसको ऐसा मन से लगता है कि मैंने इंजीनियर बनना चाहिए, माँ बाप उसके ऊपर थोप देते नहीं, नहीं तूने डॉक्टर बनने का है या तूने CA बनने का है या जो भी कुछ हो, मतलब उसका जो पैशन है, उसको जो काम करने में मज़ा आता है, तो वो उसको करने देंगे नहीं, और भी उसके ऊपर थोप देंगे कुछ तभी। उसका गोल पक्का नहीं है, ज़बरदस्ती उसको बिठा के रखा हुआ है, फिर वो इधर उधर भागते रहता है, और वो खेलेगा फिर गेम्स, वो जाएगा फेसबुक के ऊपर, वो जाएगा इंटरनेट के ऊपर, सर्फिंग करेगा, जवाब देगा, और अपने अपना स्टेटस अपडेट करते जाएगा, बार 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 फोटो निकालते जाएंगे, मतलब ऐसा उसमें गुता रहेगा वो। तो सामने कोई मकसद नहीं है, सामने कोई गोल्स नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है लाइफ का। पढ़ाई करना क्यों लोगों को मालूम नहीं, हम बच्चों को बोलते पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, पढ़ाई क्यों कर, वाई टू डू, ये वाई का आंसर उनके पास में नहीं है, और फिर हम बोलते कि बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा पढ़ाई करता नहीं है, ये बोलते रहते हैं। इसके ऊपर यही है कि एडिक्शन के ऊपर भी मैं एक अलग से सम्मोहन का, हिप्नोटिज्म का एक वीडियो अपलोड करूँगा, कि जिसमें फिर हिप्नोटिज्म के माध्यम से, हिप्नोसिस के माध्यम से एडिक्शन के ऊपर कैसे बात करना, उसको कैसा ट्रीटमेंट देना ताकि वो एडिक्शन फ्री हो जाए, तो वो हम करेंगे। इसके लिए कोई दवाई नहीं है, इसके लिए कठोर शासन आवश्यक है घर में। जब हम बच्चों को बोलते हैं कि TV मत दे या पढ़ाई ये पढ़ाई में ध्यान दे या फिर फेसबुक मत दे, माँ बाप सभी लोग, घर के लोग अपने अपने फेसबुक अकाउंट में ज़्यादा बिजी है, व्हाट्सएप में ज़्यादा बिजी है, और हर एक जन कम से कम, और रात का टाइम तो बहुत ज़्यादा उसमें जाता है, करीब एक बार खाना पीना हो गया फिर सब लोग अपने अपने व्हाट्सएप, मतलब घर में बैठे एक जगह और सब लोग अपने अपने व्हाट्सएप में बिजी है, अपने अपने फेसबुक के ऊपर बिजी है, बातचीत कोई करता ही नहीं है। तो आपस में बातचीत करना, आपस में मेल जोल रखना, एक फिक्स टाइम रख दिया कि नहीं भाई मैं 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक ये इंटरनेट या सोशल मीडिया पर जाऊँगा और वहाँ जो भी करना है वो करूँगा, तो फिर आपस में रिश्ते अच्छे बनेंगे, व्यवहार अच्छे हो जाएंगे, घर में एक बननेस आ जाएगा और एक अच्छा बच्चा आगे देश का नागरिक बनेगा। अदरवाइज अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बच्चों को इसमें लत लगा रहे हैं। मेरे यहाँ तो मतलब मेरे हॉस्पिटल में जो तो पेशेंट एडमिट होते हैं उनके 3-3, 4-4 साल के बच्चे मोबाइल के ऊपर खेलते रहते हैं और उसमें बहुत मज़ा आता है। बच्चा रोता है, उसको हाथ में मोबाइल पकड़ दिया, कोई तो भी कुछ तो भी खेलते रहे, बच्चा खेलते रहता उसका रोना बंद हो जाता। अभी 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को आप मोबाइल खेलने के लिए दे रहे हैं और उसको उसकी वहाँ से लत लगा रहे, देखो क्या हाल होंगे उसकी आगे चलने के बाद में, आगे उसकी उम्र बढ़ने के बाद में। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बहुत कठिन समय सामने आ जाएगा, पता नहीं क्या होगा। तो आगे वीडियो जरूर मेरा देखिएगा जिसमें मैं इसके बारे में बताऊँगा कि ये वीडियो, ये सम्मोहन के माध्यम से ये जो इंटरनेट एडिक्शन है या सोशल मीडिया का एडिक्शन है उसका इलाज कैसे किया जाए। आपके संपर्क में काफ़ी लोग होंगे कि जिनको, जिनके बच्चों को या जिनको बड़े लोगों को भी इसका एडिक्शन होगा, तो इसके इससे कितना नुकसान होता है, इससे डिप्रेशन कैसा आता है, इसमें मानसिकता कैसे बदल जाती है, अनप्रोडक्टिविटी कैसे हो जाती है, इसका यदि उनको जानकारी मिल गई कि नहीं नहीं इससे हमको दूर रहना है, उनको यदि उसका नॉलेज मिल गया तो ज़रूर इससे दूर हो जाएंगे और एडिक्शन फ्री हो जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करने के बोलो, आप भी सब्सक्राइब करो, मैं काफ़ी वीडियो डालते रहता हूँ ताकि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और पूरा देश नशा मुक्त, ये मेरा एजेंडा है काम करने के लिए। आपका भी हाथ मुझे चाहिए उसके लिए, आप ज़रूर मेरे वीडियो देखते रहेंगे, लोगों को शेयर करते रहो। थैंक यू वेरी मच।